नमस्कार, मैं जॉली अंकल प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी के साथ आज हर सप्ताह की तरह फेसबुक लाइव सेशन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम जिंदगी से जुड़े बहुत ही अहम मसले पर बात करने की विचार कर रहे हैं। ये एक ऐसा मसला है जिंदगी का जिसे आमतौर पर हम लोग नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग उम्र गुजार देते हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, जिंदगी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सारी उम्र कुछ लोग संघर्ष में गुजारते हैं तो उन्हें यही अफसोस रहता है कि क्या यही जिंदगी है, कि सारी जिंदगी हम स्ट्रगल में ही बस सुबह से रात तक भागते रहे। क्या कभी हम जिंदगी को सुहाना बना सकते हैं, कुछ ऐसे पल क्रिएट कर सकते हैं कि हम जिस टाइम कह सकें कि जिंदगी हमारी बहुत सुकून भरी है, या जिंदगी परिवार के साथ बिल्कुल खुशहाल बनाई जा सके। तो इन सब बातों को एक्चुअली हर आदमी सोचता तो है और जब कभी हम बैठते हैं तो थोड़ी बहुत बात भी करते हैं लेकिन गहराई से कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए या हमें अपनी जिंदगी कैसी बनानी चाहिए। आज का जो दौर चल रहा है उसमें हर आदमी जो है बहुत तेजी में बेचैन है, हर आदमी दौड़े जा रहा है, किस ओर दौड़ रहा है उसे ये नहीं मालूम। क्या वो कोई बदलाव लाना चाहता है अपनी जिंदगी में? अगर इस भाग दौड़ में लोगों को देखें, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो एक ही चीज समझ आती है कि कुछ भी समझ नहीं आता। जी जी बिल्कुल। तो जहां तक मेरा अपना निजी अनुभव है और मैंने जिंदगी को समझा है तो जिंदगी जो है वो एक पहेली की तरह है। बिल्कुल। जिंदगी को समझना आसान नहीं है, ये कभी रुलाती है और कभी हंसाती है। क्या बात है। लेकिन ये भी सच है कि जिंदगी हर दिन नए नए रंग भी दिखाती है। बिल्कुल ठीक है। तो आज प्रोफेसर साहब से हम बात करेंगे, इनका एक बड़ा लंबा अनुभव है जिंदगी के साथ, जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं, उसके अलावा इनकी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में रेगुलर दिल्ली से बाहर पूरे हिंदुस्तान में बड़ी दूर तक नॉर्थ ईस्ट तक भी ये प्रोग्राम करते हैं। तो उस अनुभव का आज फायदा उठाते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए और उस अनुभव से हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोफेसर साहब से। सबसे पहले तो मैं आपका और अपने दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। जिंदगी कैसी हो आपका टॉपिक कितना सुंदर टॉपिक है, उस पर आऊं उससे पहले मैं कल मनन से बातें कर रहा था, मनन का दोस्त आया हुआ था, तो बातें करते हुए मेरी एक आदत है, मनन के जितने भी दोस्त आते हैं वो मुझे भी अपना दोस्त समझते हैं, वो खुल के बातें करते हैं। तो उन्होंने मेरे को जो मैंने बोला कि यार हमारा जो फेसबुक लाइव आता है वो देखते हो, कहते अंकल यार आप क्या कर रहे हो। मैं मनन एक या दो मिनट का वो डालता है वीडियो, उसे भी तो कोई पूरी पूरा नहीं देखता और आप आधे आधे घंटे के दो प्रोग्राम करते हो उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई देखता होगा। तो जैसे तो ना एक कंप्यूटर हैंग हो जाता है, मैं हैंग हो गया। मैं यार इतनी हम मेहनतें कर रहे हैं और यंग जनरेशन का ये जवाब आ रहा है। तो फिर एकदम से भगवान ने एक जवाब भी दिया, मैंने यार बेटा हो सकता है कि काफी लोग ना देखते हो लेकिन बहुत सारे लोग देखते भी तो है, क्योंकि इतने रिव्यूज आते हैं, इतने लोगों के फोन आते हैं, इतने लोगों के उसमें कमेंट्स आते हैं, बिना देखे तो नहीं आते।
और एक एक लोग इतनी इतनी चीजें सजेस्ट करते हैं हमें और वो उनके आइडियाज उनकी चीजें बेसिकली जिंदगी और जिंदगी का नजरिया है जिसको एक व्यक्ति कह रहा है कि सर आपका प्रोग्राम कोई देखता भी होगा और एक जगह ये नजर आ रहा है कि नहीं इतने लोग देख रहे हैं अगर हमारी एक कोशिश किसी एक के जीवन में परिवर्तन लेके आ सकती है तो मेरे ख्याल से ये भी जिंदगी है और जिंदगी की जीत है। बिल्कुल ठीक। और जिंदगी में जो मुझे सबसे आज तक समझ में आया है वो यही जितनी सरल होगी उतनी सफल। और एक मेरा ही लिखा हुआ एक शेर है मुझे याद आता है खुद को खुद का इल्म नहीं भाग रहे हैं पहुंचना है कहां पता नहीं। हम सारे एक अलग 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 दौड़ में दौड़ तो रहे हैं लेकिन किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि मेरे को पहुंचना कहां पर है। दौड़ है लेकिन दौड़ का देखिए लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है मैं इसमें एक छोटी नुक्ते देके मैं बात को अपनी खत्म करूंगा। मैं कभी भी दिल्ली से बाहर जाता हूँ तो आप यकीन मानेंगे पहुंचकर जो आनंद आना है वो बात की बात है। मैं रस्ते में भी पूरा आनंद लेता हूँ। रस्ते में 15 जगह ड्राइवर को बोल के गाड़ी रोकूंगा और फोटो खींचूंगा ग्रीनरी में और आप मेरी फेसबुक पे देखते भी होंगे। वो क्या है आप नेचर के पास है तो नेचर को एंजॉय करो। जिंदगी में जो जो समय एक बार गुजर गया ना वो फिर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो अगर जिंदगी को समझना है तो समझने की कोई जरूरत नहीं है इसको जीना है। जब हम जीना शुरू करेंगे तो समझ में अपने आप आ जाएगी। कहते हैं जिंदगी के मतलब क्या है कहते जिंदगी मतलब के लिए नहीं है। मतलब ही लोगों के लिए जिंदगी होती नहीं है। जिंदगी का क्या मतलब है मतलब इसका एक ही है जियो भरपूर जियो। और भरपूर जीने के लिए हर पल जीना जरूरी है। जी मैं जिस देश में 20-20 साल में कोर्ट के फैसले आते हो 25-25 30-30 साल में कोर्ट के फैसले आते हो उस देश में एक ही तरीका है जिंदगी जीने का कि आप हर पल जियो। अगर आप हर पल नहीं जियोगे तो पता नहीं कल क्या होगा कल के लिए कहां बचेगी जिंदगी। और मैं तो इसमें ये देखता हूँ जैसे एक एग्जांपल देखिए कुत्ता है बहुत तेजी से सांस लेता है करके सांस लेता है लेकिन उसकी किसी भी कुत्ते की मैंने उम्र 8-10-12 साल से ज्यादा नहीं देखी। बहुत ज्यादा होगी तो 12 साल। और उसी से दूसरी तरफ अजगर है बहुत धीरे सांस लेता है। कहते हैं मुझे मालूम नहीं साइंटिफिकली मुझे नहीं पता लेकिन कहते हैं सांसें कोई उतनी ही दी होती है परमात्मा ने कोई आराम से उसको इस्तेमाल करता है कोई अजगर उसको कहते हैं 100 साल 150 साल तक जीता है। खैर उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं लेकिन उम्र लंबी हो छोटी हो लेकिन भरपूर हो आपकी जिंदगी में खुशहाली होनी चाहिए खुशहाली हो संयम हो प्यार हो शांति हो कंटेंटमेंट हो। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिंदगी जिस तरह आपने बच्चों की दोस्तों की बात कही कि जिंदगी के जो देखने का नजरिया वो सबका अलग है। बिल्कुल ठीक कहा आपने क्योंकि जब हम छोटे होते हैं बचपन में तो उस टाइम सिर्फ हमें एक गेंद मिल जाए एक बैलून मिल जाए तो हमें जिंदगी का आनंद आता है। अब बैलून से बात चली तो एक बच्चे को बैलून खरीद के आनंद आता है वो उस मोमेंट को एंजॉय करता है। एक बच्चे को बैलून बेच के आनंद आता है आज मेरे घर का राशन निकल जाएगा राशन मेरे रात को रोटी मिलेगी और एक बच्चे को बैलून फाड़ के मजा आता है। तो बिल्कुल नजरिया अलग अलग होता है ये बिल्कुल सही है। जैसे हम बड़े होते हैं स्कूल कॉलेज कंप्लीट करते हैं तो परिवार के साथ जिंदगी शुरू करते हैं तो फिर हमारी जरूरतें हमारी ख्वाहिशें तो वो जिंदगी एक और नए ढंग में हमारे सामने आती है। तो बेसिकली दोस्तों जीना है तो फूलों की तरह नहीं जियो कि दो चार मिनट 10 मिनट खुशबू हुई और तमाशा खत्म। जिंदगी अगर वाकई जीना चाहते हो तो पत्थर की तरह जियो। अनिल जी वाह 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 जिंदगी जीना है तो पत्थर की तरह जियो
क्योंकि जिस दिन तराशे जाओगे उस दिन भगवान बन जाओगे। क्योंकि इतनी परेशानियां इतनी कठिनाइयां हैं उसका सामना करते हुए अगर हम अच्छे से जीते हैं तो तभी भगवान बन सकते हैं जब वो संघर्ष करते हैं, वो इतनी चोटें सहते हैं। नहीं तो जो प्लेन सीधे पत्थर होते हैं वो तो पैरों पे नीचे ही लगते हैं। तो एक चीज प्रोफेसर साहब मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि आज से 20-25 साल पीछे अगर चले जाएं, आपको भी अंदाजा काफी होगा क्योंकि आपने भी वो टाइम देखा है, तो उस टाइम यही सोसाइटी थी, ऐसे ही हम दिल्ली में रहते थे, लेकिन लोगों की जिंदगी में एक बड़ा ठहराव था, ठीक है, फीलिंग थी एक दूसरे के प्रति, अटैचमेंट थी, और सबसे बड़ी चीज हर आदमी की जिंदगी के कुछ प्रिंसिपल थे, असूल थे, कुछ कायदे कुछ नियम थे समाज के बिरादरी के, और हर आदमी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। जी, 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 जी। आज ऐसा लगता है कि वो सारा कुछ एक बीते जमाने की बात हो गई, बल्कि वो किसी को बड़े छोटे की परवाह नहीं, किसी को अपने गुरु की परवाह नहीं, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, जो कुछ है मैं ही मैं हूँ। तो ये इतना जबरदस्त जो बदलाव आया समाज में, इसका हमारी जिंदगी में क्या असर आएगा? सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक चीज मान के चलनी है, जी, पूरी दुनिया में हर समय एक ही चीज सतत है, कॉन्स्टेंट है, परमानेंट है, वो है चेंज। इसके अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है, और हर चेंज के साथ अगर 2, 5, 10 चीजें बुरी आती हैं, तो 20 चीजें अच्छी भी आती हैं। तो हमें बस इतना करना है कि जब कोई चीज अच्छी बदल के आती है तो उसको भी हमने महसूस करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी भावनाएं थी, ठहराव थे, नियम थे, वो इस तरह से समझिए कि आज अगर किसी बच्चे को कुछ समझाया जाए, कुछ कहा जाए, तो बच्चा सीधा सीधा पता क्या बोलता है, मैं कोई संत नहीं हूं, मैंने कोई परमात्मा नहीं बनना, मैं प्रैक्टिकल हूं, ठीक है। लेकिन हर युग में हर समय नियमों की और असूलों की, असूल वालों की कदर होती है और जीत भी होती है। जी। ये कुछ इस तरह से कह लो कि हम जैसे कई बार ये एग्जांपल ले लेता हूं, जानवरों में और इंसानों में एक बेसिक फर्क ये है कि इंसान में इंसानियत है, वो हमारा बेसिक गुण है, और अगर हम बेसिक गुण को ही खोते हुए चले जाएंगे ना तो फिर पीछे रह क्या जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि बदलाव हमें करना है, हर अच्छा बदलाव वेलकम है। पीछे मुझे दो बहनें हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज की, जिनके नाम के आगे शायद गायकी में कोई और नाम भी नहीं सूझता, लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी। जी, आज से कुछ साल पहले तक लता मंगेशकर जी काफी एक्टिव थी, पूरे साल में 1, 2, 3 गीत भी गा देते थे, तो वो तीनों के तीनों गीत टॉप चार्ट्स में इतने ज्यादा ऊपर रहते थे कि नीचे उनके 10-10 पायदान पर कोई दूसरा नहीं होता था। लेकिन अचानक से उन्होंने गाना एकदम से छोड़ दिया। जब उनसे इंटरव्यू किया गया, पूछा गया, तो कहते कि आज की डेट में इतना ज्यादा शोर शराबा और इतना ज्यादा टेम्पो वाले गीत जिसमें मेलोडी है ही नहीं, वो मेलोडी गायब हो गई तो गीत और संगीत की आत्मा खत्म हो गई। तो इसलिए लता जी ने कहा कि मेरे नाम के साथ कोई गीत आए तो मैं नहीं चाहती कि वो बिना आत्मा के आए। सेम मैं महसूस करता हूँ कि हम इंसान हैं, तो इंसानियत हर युग में हमारे साथ, हमारा बेसिक गुण हमारे साथ रहना ही चाहिए। इसके साथ पॉइंट मेरे मन में आ रहे हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने आसपास की जिंदगी में, वो ये है कि आज जैसे बच्चों के बारे में आपने बात की कि ये पीढ़ी सिर्फ बोलना चाहती है, ये सुनने की हिम्मत नहीं रखती, कि
जैसे आपने कहा कि वो भगवान नहीं बनना चाहते, ये कुछ है तो वो सिर्फ अपनी बात कहना जानते हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे हो उनसे उनको इतना मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज जो एक कमी मैं कहूंगा आ गई है आज के इस पीढ़ी में, वो ये है कि वो सिर्फ खुद को सही मानते हैं और उन्हें लगता है कि माँ बाप को या बड़े बुजुर्गों को तो घर का कुछ पता ही नहीं है, उनको तो जमाने की खबर भी नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। दूसरा एक जो इनमें पता नहीं किस कारण से ये छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं और आपस में ही दोस्तों के बीच में जेलसी की फीलिंग रहती है, चाहे वो आगे बढ़ने की है कि उसके पास कंपटीशन की वजह से है तो चाहे जॉब है या कुछ है। लेकिन इनको मैं एक चीज जरूर कन्वे करना चाहूंगा क्योंकि हमारा इस प्रोग्राम को करने का यही मकसद होता है कि हम जितनी भी पॉजिटिव बातें शेयर कर सकें वो जरूर हम शेयर करते हैं ताकि कोई ना कोई एक पॉजिटिव बात समाज को जरूर हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू पहुंचनी चाहिए कि जिंदगी ठीक है कि हमें कई बार अड़चने आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन एक बार अगर हम किसी स्टेप पे फेल होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम जिंदगी से फेल हुए। जिंदगी में फेल हुए, जिंदगी से फेल नहीं, जिंदगी से फेल नहीं हुए, क्योंकि जिंदगी हर दिन हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देती है। जब भी सुबह सूरज निकलता है तो एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है। कल तक जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, आज को आप सिर्फ देखो और आज जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है अगर आप उसे ठीक से अवेल करते हो तो आने वाला जो भविष्य है आपकी जिंदगी का वो भी संवर जाएगा। सर आपकी बात को अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो जैसा आपने बताया कि आज के युवा पीढ़ी सुनने की कैपेसिटी को थोड़ा है ना, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसमें एक चीज और कहूंगा ऐड करूंगा कि हमारे जमाने में फोकस डाइवर्ट करने के लिए चीजें कहा थी। हाँ, ये भी ठीक है, हमारे जमाने में फोकस डाइवर्ट करने के लिए चीजें ही कहा थी, कुछ माहौल में कुछ था ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या दोपहर को जाके धूप में नीचे पार्कों में खेलते थे, मुनिया आवाजें मारती थी, इससे ज्यादा क्या था, शाम को हम सात सात छह छह बजे तक घर नहीं आते थे, अंधेरा पड़ जाता था तो लोगों के घरों से आवाजें आने शुरू हो जाती थी, ओ बेटा आ जाओ अब तो घर आ जाओ। तो आज उस जमाने में अगर हमने 60% 70% मार्क्स ले आए, कोई फोकस डाइवर्ट करने वाली चीज नहीं थी, तब 60% 70% ले आए तो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं। मैं नई युवा पीढ़ी को क्रेडिट देता हूं इस बात का कि आज इतनी डाइवर्शन है, सबसे बड़ा इंटरनेट, उसके बाद कितने सारे सोशल मीडिया, कितने सारे दोस्ती पार्टियां सब कुछ, उसके बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी मेरिट शुरू होने वाली है, आप देखना 90 प्लस वालों की लाइन लगी होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोकस उनका क्लियर है, मुझे मार्क्स लेने हैं तो मार्क्स के लिए कितना फोकस होना पड़ता है, 90 की लाइन में इतने लोग हैं तो दैट शोज कि वो बहुत अच्छे और प्रॉपर हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी कमियां हैं। और जैसा मैंने लता जी का एग्जाम्पल दिया वहां पे, यहाँ एक एग्जाम्पल थोड़ा सा आशा जी का देख ले, आशा भोसले जी ने समय के अनुसार बदलाव को स्वीकारा और कितने रीमिक्स, फॉरेन सिंगर्स, अलग अलग म्यूजिशियंस, कितने लोगों को करके उन्होंने अपने आप को और ज्यादा निखारा। और आज शायद लता जी का, उनका भी मैं पूरा मान सम्मान करता हूँ, उनकी गायकी बहुत ऊंची है, लेकिन मैं लता जी से भी दो स्टेप आगे मानता हूँ आशा जी को, जिसने पलायन नहीं किया, पीछे नहीं हटी, बल्कि उससे भी आगे गए आज की युवा पीढ़ी को सिखाने के लिए, बताने के लिए कि नहीं ये भी हो सकता है और मैं ये भी करके दिखा दूंगी। जी जी, तो जीने का ये भी तरीका है, नजरिया आपकी बात। जी जी, अब हम बात करना चाहेंगे आज हमारे देश में MNCs कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये मेन जो है, मतलब कि अब क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो एक गांव बन गई है, तो चाहे USA है या दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उनका काम यहाँ पे होता है, तो बेसिकली अब दिन और रात का वो
जो पहले ऑफिस टाइम होते थे या एक पैटर्न होता था वो खत्म हो गया। अब कोई रात को ड्यूटी पे जा रहा है, कोई इंग्लैंड के हिसाब से जा रहा है, कोई यूएसए के हिसाब से। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। लेकिन इन लोगों में तरक्की के लिए इतने ये बेचैन और इतने मतलब कि मैं क्या कहूंगा इसके लिए कि आगे बढ़ने की होड़ में ये जिंदगी को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, संवेदनाएं नहीं है। जिंदगी क्या है, मायने क्या है, कोई घर वालों के प्रति, दोस्तों के प्रति जो फीलिंग्स, जो एक विश्वास होता था, वो सारा सारा भूल के सिर्फ और सिर्फ उनको बस अपना कैरियर और अपना पैकेज जो है वो बस सिर्फ याद रहता है। क्या एक बहुत बड़ा पैकेज 1.5-2 लाख, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने का पैकेज कमा लेने से हम अपनी जिंदगी को सफल मान सकते हैं? सर, मैं इस बात में एक बात, अभी हमारे साथ अनिल जी है, अनिल जी के पापा की कहता हूँ। आज सुबह मैं अनिल जी के पापा के साथ बैठा हुआ था और अंकल के साथ बैठा था, तो मैं जब भी इनके घर जाता हूँ मेरा एक पहला नियम है कि मैं बुजुर्गों के पास जाता हूँ, उनके आशीर्वाद लेता हूँ और उनके पास बैठता हूँ थोड़ी देर। केवल 2-5 मिनट की बातचीत में कितनी चीजें सीखने को मिलती हैं। उन्होंने बताया वो 88-90 के आसपास हैं और अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ है। उनकी फुर्ती और उनका सब कुछ देख के हम जैसे लोगों को एक बार तो शर्म आ जाए। और मैं उनसे बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि उनका एक जो तोता, आप उसको क्या कहेंगे, नाती के बारे में क्या बता रहे थे कि यार तू अपना पीस ऑफ माइंड, मैंने तुझे क्या बात कह रहे हैं, अपना पीस ऑफ माइंड डाइवर्ट मत किया कर। अगर तू पीस ऑफ माइंड के साथ काम करेगा ना, तेरे को मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं कि ये फैसला गलत है कि ठीक है। तू अपने फैसले खुद ले पाएगा और अपने फैसलों पे पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ पाएगा। तू देख, तेरे साथ के कई लोग आगे बढ़ गए, तू पीछे रह गया। उसमें कहीं ना कहीं एक ही कारण है कि तू अपने आप को कंपेयर करता है लोगों से। कंपेयर करना छोड़ दे, तू अपने आप को फ्रस्ट्रेट करता है, फ्रस्ट्रेट करना छोड़, पीस ऑफ माइंड। मैं ये एक शब्द से बड़ा मुतासर हुआ उनकी। और कॉर्पोरेट जगत में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप ना कभी देखेंगे कि एक स्वर्ग और एक नर्क हमारे आसपास हमारा बुना हुआ एक चीज है। एक एग्जांपल से सारी बात मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी, शायद युवा पीढ़ी को भी अच्छी लगे। एक बहुत बड़ा कमरा था और उसके बाहर लिखा हुआ था नर्क। अंदर गया तो देखा कि हर बंदा उसी तरह से बहुत सारे पकवान बने हैं, बहुत सारे पकवान बने हैं। जैसे ही वो पकवान खाने के लिए जाने लगे तो उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे चम्मच बांध दिए गए, इस तरह से लंबे लंबे चम्मच बांध दिए गए। तो अब वो पकवानों में डालते, चम्मच भरते, ऐसे करते, वो चम्मच इतने लंबे थे पीछे को गिरता सारा खाना, अपने कपड़े खराब, सब कुछ, मुंह सब गंदा हो गया, आंखों में मिर्चट, सब कुछ बहुत नर्क हो गया। इसी तरह से दूसरे कमरे में गए, उसी तरह से लंबे लंबे चम्मच बांधे हुए और उसी तरह से खाने सामने परोसे हुए, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। वो चमचों से भरते और दूसरे को खिलाते, चमचों से भरते और दूसरे को खिलाते, और वो ना किसी के ऊपर गिर रहा था ना कुछ, और वो इतना संतुष्टि से, सबने एक दूसरे को बताया। जब बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि स्वर्ग और नर्क में क्या फैसिलिटीज का फर्क था? कहते नहीं, फर्क फैसिलिटीज का नहीं है, फर्क सोच का है। ये हमारी दुनिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने अपना सूत्र बना लिया है, एक ही सूत्र है, तरक्की। अरे तरक्की किसकी कंधे पर, किसकी बलि पर? अगर आपकी जिंदगी की बलि पर आपको तरक्की मिलती है तो मेरे को लगता है आप शायद उसको ना एक्सेप्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। एक व्यक्ति जो 30 साल का भी नहीं हुआ, वो
बीपी, शुगर और कैसी कैसी बीमारियों का, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी, जिंदगी का क्या फायदा? क्या फायदा? और पहले अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया अनिल जी के पिताजी का, तो 90 की उम्र में भी वो इतने चुस्त दुरुस्त और पूरे तरह से स्वस्थ है, तो ये क्या है कि अगर उन्होंने अपनी और अपनों की केयर की, और आज कॉर्पोरेट क्या कर रहा है, कोई संवेदना नहीं, किसी के ऊपर कोई आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बच्चे एक कंपनी में जहां 8, 10, 15, 20 लाख का पैकेज ले रहे हैं, वहां पर अगले दिन जाकर के एक एसएमएस से रिजाइन भेज देते हैं, यानी कोई संवेदना ही नहीं है। मुझे खुशी होती है इस बात में कि मेरे पास जो भी मेरे पास वर्किंग स्टाफ है वो 7, 7, 8, 8, 10, 10 साल से वही स्टाफ चल रहा है। तो आगे पढ़ना अच्छी बात है, ऊंचा उड़ना बहुत अच्छी बात है, कि युवाओं में जोश है, उड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैर जो है वो जमीन पे रहने चाहिए। तभी आप जिंदगी का अगर लुत्फ लेना है तो तभी ये ले पाओगे। तो ये नहीं है कि बस सिर्फ जरूरतें और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप मतलब कि बेताशा भागते रहो। तो इसके लिए जो मुझे एक पॉइंट समझ आता है, मैं मैसेज देना चाहूंगा, वो ये कि हर टाइम अपने मन की बात सुनने की बजाय कुछ डिसीजन हमें अपनी बुद्धि से भी लेने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मन से लिए हुए डिसीजन जो होते हैं वो हमें बेचैन करते हैं। तो उनको छोड़ के थोड़ा दिमाग से, तसल्ली से मतलब कि डिसीजन लेने चाहिए, तो वो निर्णय मेरे ख्याल काफी उनको आगे जो है हेल्पफुल होंगे। तो आप आगे क्या कहना चाहेंगे? मैं समय के ऊपर देख रहा था, तो मैं एक मिनट का एक छोटा सा प्रश्न लेना चाहूंगा जी। कि मुझे अच्छे से याद है, मेरे पापा आर्मी में थे, तो वो पहले से तय होता था कि जैसे मई जून आएगा तो पापा 2 महीने के लिए छुट्टियां ले लेंगे, और हम पहले से ही रिजर्वेशंस बुक हो जाती थी और हम 2 महीने के लिए गांव चले जाते थे। अच्छे से याद है गांव जाना, वो बैलगाड़ी गड्ढे जिसको कहते थे उसके ऊपर लोगों के ट्यूबवेलों पे जाके नहाना, अपने ट्यूबवेल उस समय कम थे, और बड़ा कुछ ये सब। उस जमाने में हमारे घरों में भी रिश्तेदार काफी आते थे, एक एक दो दो चार चार दिन रह के जाते थे। आपको सर ऐसा नहीं लगता कि पहले लोगों में दिल बड़े थे और लोगों के पास प्यार ज्यादा था, लोगों का आना जाना अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही होके रह गया, अब ऐसी चीजें खत्म सी हो गई। आपको कोई 2 महीने की छुट्टियों में कभी किसी के घर जाता है या आता है, ऐसा कुछ सुनने में आया अभी पिछले 20 सालों में? मेरे को लगता है ये पीढ़ी तो ये भूल ही गई होगी। एक्चुअली इसका एक मेन रीजन जो पीछे है, इसका जो ये दूरी बनी है, उसका मेन रीजन अगर आप थोड़ा गहराई में देखें ना, वो ये है कि हम एक दूसरे की कमियां निकालने में ज्यादा बिलीव करने लगे। ठीक है सर। उनके जो प्लस पॉइंट है या जो उनकी खूबियां हैं वो हम नहीं देखते, तो उस वजह से क्या है कि ये रिश्तों में गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो वो फिर जो प्यार जो छुट्टियों में जाके मिलके रहना या कुछ है, वो वहां तक की नौबत आती नहीं, क्योंकि वो गैप इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि एक आदमी ने किसी के लिए 500 या 1000 काम अच्छे किए, लेकिन अगर एक गलती से उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाया तो वो सारा कुछ जीरो हो जाता है। तो माफ करने की एक संयम की वो सब कुछ खत्म हो चुका है। दूसरा एक भूख हम लोगों की बढ़ती जा रही है, भूख इस कदर तक बढ़ती है कि हमें अपना तो सब कुछ हमें चाहिए ही चाहिए, जो कुछ दूसरों का है हम चाहते हैं कि वो भी सब कुछ मेरे घर पे आ जाए। घर में टोयोटा खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, पैसे बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, लेकिन मन शांत नहीं है, मन में भूख इतनी है कि दूसरों के भी बस जो कुछ उसके पास चाहे 4 पैसे हैं वो भी मेरे पास आ जाए। तो ये जो चीज है ये रिश्तों में दरार पैदा करते हैं, तो प्यार तो नेचुरली यहीं पे खत्म हो जाता है। तो उसको मतलब कि अब रिश्तों में आपने बात की प्यार छुट्टियों में जाके रहने की, ये जो बात एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि आज ये हालत हो गई है कि भगवान की मूर्ति भी अगर घर में
और वो भी जरा सी कहीं से खंडित हो जाती है तो लोग एक मिनट नहीं लगाते कि उसको भी निकाल के बार पार्क में कहीं छोड़ आएंगे कि भी किसी पेड़ के नीचे रखाएंगे। तो रिश्तों को तो घर में लाना बड़ा दूर की बात है, भगवान को भी जो है वो एक मिनट में घर से बाहर कर देते हैं। तो जिंदगी के इस सफर की बात, कैसा है ये सफर, मुझे नहीं लगता, मुझे वो एक हमारे जमाने की बड़ी पुरानी पिक्चर किशोर आनंद जिंदगी का सफर है, ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, तो किशोर साहब ने एक गाना गाया था जिंदगी का सफर ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं चलते हैं सब मगर। हाँ, तो जिंदगी के बारे में आखिर में यही कहना चाहूंगा कि कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे अच्छे से अच्छे समझ सकें। जैसे शुरू में प्रोफेसर साहब ने कहा कि हर पल का आनंद लेना चाहिए क्योंकि जो एक पल अभी हमारे पास है ये पल दोबारा नहीं मिलने वाला हमें जिंदगी में। आज जो डेट है ये डेट दोबारा जिंदगी में हमारे नहीं आएगी, ये टाइम भी नहीं, आज जो दिन जो टाइम है ये दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन ये गारंटी है कि अगर हम इसको अच्छे से एंजॉय करते हैं तो हम कल भी एंजॉय कर पाएंगे। अगर आज हम इस पल को एंजॉय नहीं करते तो ये पक्की बात है कि हम कल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कल भी परेशान रहेंगे। तो जिंदगी के सफर को सुहाना बनाना है, जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो उसके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हर पल को एंजॉय करना सीखो, छोटे मोटे जो गिले शिकवे हैं उनको छोड़ दो, कुछ फैसले खुद करो, कुछ फैसले उस ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो भी सही फैसले करता है, वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचता, बहुत अच्छे फैसला करते हैं, तो कुछ फैसले उस पे छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ प्रोग्राम को हम खत्म करना चाहेंगे। तो मैं प्रोफेसर साहब से कहना चाहूंगा कि आखिर में इस का यहाँ पे बेसिकली हम ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट के बाद दोबारा फिर हाजिर होंगे, अभी इसी टॉपिक पे हम एक बार फिर और बात करेंगे कि और जो इसके आस्पेक्ट जो और पहलू है उस पे भी हम विचार करने की कोशिश करेंगे ताकि हर इंसान एवरेज आदमी एक लेबर क्लास से लेके चाहे वो एक कंपनी का मालिक है एक फैक्ट्री का मालिक है चाहे वो बैंक मैनेजर है किस तरह हम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहां मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग बाई चांस इस प्रोग्राम को अगर अभी नहीं देख पाए तो वो बाद में इसे यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे जॉली अंकल के नाम से ये चैनल है तो उसपे हमारे प्रोफेसर साहब के जितने भी मोटिवेशनल वीडियोज हैं आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए आप उन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, सर एक आखिरी लाइन कह के हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं जी, कि जिंदगी में कितने साल हैं ये मत गिनो, जिंदगी में कितने साल हैं ये मत गिनो मगर सालों में कितनी जिंदगी है ये गिनना चाहिए, बस इतना ही मेरा संदेश है। थैंक यू।